नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। शामली जनपद में एक निर्दयी मां के द्वारा अपने ही 3 मासूम बच्चों को विषाक्त पदार्थ खिलाए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई तथा दूसरी बच्ची की मौत मेरठ के अस्पताल में हो गई, जबकि अन्य एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 2 मासूमों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शामली जनपद के कैराना थाना क्षेत्र के गाँव पंजीट निवासी मुरतलीन अपनी 2 मासूम बेटियों मंतसा और मिश्बा को गंभीर अवस्था में लेकर शहर के सरकारी चिकित्सालय पहुंचा, जहां पीड़ित परिजनों के मुताबिक मुरतलीन का निकाह 10 वर्ष पूर्व जिला मुजफ्फरनगर निवासी महिला सलमा के साथ हुआ था। आरोप है कि सलमा की शादी के बाद ही घर में लड़ाई झगड़े और कलेश हो गया था, जिसके चलते कलियों की माँ सलमा ने अपने 3 बच्चों को घर में रखी चूहे मारने की दवाई देकर मारने का प्रयास किया, जिसमे एक 9 वर्षीय मासूम तथा मंतसा की मौत हो गयी, जिससे परिजनों में कम का माहौल है। वही पीड़ित परिजनों ने महिला के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की जन की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कलियों की मां के द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी मामला यह है, इनकी मम्मी जो है ना, वो घर में कलेश रखती है बहुत। उनको रात को चूहों की दवाई दे दी, 3-4 दिन पहले लेकर आता वहाँ दवाई बेचने के लिए चूहों की, वो लेकर रात को उनको खिला दी। अच्छा, एक बच्चा 9 साल का था लड़का, वो एक्सपायर हो गया। ये 2 बच्ची सीरियस है, कहना ले गए सरकारी अस्पताल में, वहाँ से जवाब दे दिया, यहाँ रेफर कर दिए, यहाँ से मेरठ ले गए जा रहे सर। अभी दवाई क्या हुआ सर, क्यों दी है, क्यों कराया था सर? वो कलेज रखती है घर में, तेज दिमाग की है, बस शुरू से ही जो है ना उसकी पंक्ति घर में, पहले भी कपड़ों में आग लगा दी थी उसने। उनके घर के बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, थाना पुलिस भी हुई बहुत, लेकिन वो अलग है बिल्कुल घर से भी, लेकिन फिर भी सही नहीं रही वो। अच्छा, थाने वाले की तैयारी वगैरह दी थी वहाँ पर? प्रधान जी ने करा दी, प्रधान जी आए थे पुलिस लेके, वहाँ पे वहाँ भी आई थी सरकारी अस्पताल में पुलिस बयान लेके। तो क्या चाहते हो आप सर? क्या चाहें, बच्चे बच जाएं बस, और उससे जो है हमारा छुटकारा मिल जाए। वो बहुत परेशान कर रही घर को। हमारे चाचा जी हैं, अजी जी उनके ससुर में बहुत बीमार है, कैंसर के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार है, घर की स्थिति भी ऐसी नहीं है। जो बच्चा 9 साल का मरा है, क्या नाम है उसका सर? उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। तो ये 2 बच्चे जो घायल अवस्था में लाई है, जो मुर्शिद पड़ी हैं, इनका नाम क्या है? एक का नाम सर मिसबा है, बड़े वाले का। कितनी उम्र है? 6 साल। अच्छा, और छोटी का नाम मंतसा है। तो यहाँ से ही रेफर? एक्चुअली पंडित गांव से जो है CHC कैराना के रेफर है। 2 बच्चे आए हैं हमारे पास, एक्सपायर वाले का तो पता नहीं, वो घर पर हुआ कहाँ हुआ। हमारे पास 2 बच्चे आए हैं और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है कि उनको कोई जहर गलती से या जो भी है कोई पॉइजनिंग का केस है। उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन IV फ्लूड और गैस्ट्रिक लवाज करके स्टेबलाइज करा है, बट सीरियस है तो मेरठ के लिए रेफर। सर कितने साल के बच्चे होंगे? लगभग 2-3 साल के, 2 साल का है, 3 साल का है। मंतशा और मिश्बा नाम है बच्चों के जी। तो उनको गंभीर स्टेबलाइज करके उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। सर पुलिस वगैरह कुछ आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस भी आई थी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।